हेलो गाइस, प्यासी नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया और आप सोच रहे होंगे आज मैं ये ऐसा बना के क्यों बैठी हुई, क्योंकि आज मैं पपाया फेशियल आपको बताने वाली हूँ कि घर पे आप पपाया फेशियल कैसे करेंगे, क्या उसके फायदे हैं, क्या नुकसान है और उसको करने के बाद में आप कैसा फील करते हैं और आप कितना पैसे बचा सकते हैं, जो कि पार्लर से भी ज्यादा इफेक्टिव है। नेचुरल चीजें हमेशा आर्टिफिशियल चीजों से या फिर कुछ प्रोडक्ट से बनी हुई चीजों से बहुत ही अच्छी होती है, तो मैं आज आपको वही बताऊंगी। तो गाइस, मैं पहले बताती हूँ कि पपाया के क्या फायदे हैं, क्या फायदे हैं, क्यों यूज करना चाहिए। सबसे पहले पपाया आपकी स्किन की फाइन लाइन, रिंकल सबको खत्म करता है, दाग धब्बे झुर्रियां और जिनके ब्लेमिशिंग्स होती है वो तो स्पेशली सजेस्ट किया जाता है कि आप पपाया का फेशियल करो। तीसरी चीज कि आप पपाया का जब भी फेशियल लेते हो तो उसमें पपाया में पपीन होती है जो कि आपकी फाइन लाइन रिंकल्स को बिल्कुल रिमूव करती है, आपके फेस को ग्लो करती है और डार्क स्पॉट्स वगैरह को बिल्कुल जड़ से खत्म करती है। आप मंथली अगर पपाया का फेशियल, तो आप पार्लर में ना जाके घर पे ही पपाया का हर मंथली फेशियल करोगे तो आपकी स्किन पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्दी एंड अच्छी हो जाएगी। तो गाइज, आपको बहुत मजा आने वाला है जब मैं ये फेशियल बताऊंगी, तो आप मेरी इस वीडियो को कंटिन्यू करें और साथ साथ अगर घर में पपीता पड़ा है, पपाया पड़ा हुआ है, तो प्लीज जैसे मैं करती हूँ वैसे आप भी करिए, देखिए आपका फेस कितना अमेजिंग सा फील करना। अगर आप अभी पार्टी में जाने वाली हैं, कल को पार्टी में जाने वाली हैं, तो आप ये फेशियल अभी इस वीडियो के साथ में स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है, तो स्टार्ट करते हैं क्या करना है। चलो गाइस, सबसे पहले मैंने पपाया की ये प्यूरी बना ली है, मैंने पहले से बना के रख ली थी। ये पपाया की प्यूरी है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसमें बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें मिली हुई होती हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है, मैं मैक्सिमम टाइम यही करती हूँ, ये नेचुरल भी इफेक्टिव भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चम्मच ये पपाया की प्यूरी डाल लेंगे इसमें, राइट। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा शुगर डाल लेंगे, एक स्पून मैंने इसमें डाल लिया और फिर मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद में इसे फिर अपने फेस पे आपने यूज कर दिया। तो ये आपका स्क्रब का काम करता है, शुगर आपकी गंदगी को खत्म करता है, आपके कीटाणुओं को खत्म करता है, आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है, क्योंकि ये स्क्रब का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई। और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड नेचुरल लुक देता है। तो सबसे पहले आप ये सर्कुलर मोशन में नेचुरली ये इसकी मसाज कर लीजिए अच्छे से, नोज पे, आईज के नीचे, चिक्स पे, चिक बोन पे, एंड ऊपर सब जगह अच्छे से मसाज कर लीजिए। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ऐसे सर्कुलर मोशन में मसाज कर लो। जब आपको 10 या 15 मिनट हो जाए इसको लगाने के बाद, तो देन आप सिंपल से कुछ मत करिए, एक कॉटन ये रुमाल लीजिए हैंकी, और अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ मसाज करने के बाद में। देन आप सिंपल इस हैंकी से इसको रिमूव कर दीजिए। ये मैंने रिमूव कर दिया, फर्स्ट टाइम में मैंने रिमूव किया ये, तो सबसे पहले हमारा हो गया स्क्रब। अब हम सेकंड क्या करेंगे, कि हम फिर इसकी प्यूरी इसमें लेंगे। मैंने फिर एक स्पून प्यूरी ली है इसकी, ये ले ली एक स्पून प्यूरी। देन उसके बाद में मैंने फिर ये डाबर हनी का शहद लिया, आप लेना चाहो तो पतंजलि या फिर जो आप यूज करते हो वो ले सकते हो। तो मैंने एक चम्मच ये पतंजलि का, ये सॉरी डाबर हनी का हनी लिया, देन और एक नींबू ले लिया है। अब डाबर हनी सॉरी ये हनी आपकी स्किन को डिहाइड्रेट
सन से बचाता है और आपकी स्किन को ग्लो करता है, साइन करता है, और लेमन आपके वाइट स्पॉट्स को वाइट करता है एंड क्लीन करता है आपके फेस को। तो मैंने नींबू डाल लिया है, अब हम इस प्यूरी के साथ में लेमन और आपके इसको लेमन और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में बस हम हाथ से ऐसे मसाज कर लेंगे। तो ये लेमन ऑब्वियसली आपकी डेड सेल्स को खत्म करेगा और आपकी स्किन में एक ग्लो लेके आएगा जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है। ये आपकी सारी झाइयां, दाग, धब्बे, रिंकल सबको खत्म करता है। और शहद तो पता ही आपकी स्किन के लिए कितना बेस्ट होता है, वो तो आपको हमेशा ही यूज करते रहना चाहिए। मेरा तो यही सजेशन है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिंपल शहद की मसाज भी करोगे फेस पे तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। तो ये मैंने लेमन और हनी के साथ में फेस की मसाज की है। फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए फिर छोड़ देती हूँ और फिर 10 मिनट बाद फिर इसको क्लीन करके अब हम फेस पैक लगाएंगे, राइट। तो पहला राउंड स्क्रब का हो गया, दूसरा क्रीम एज लाइक कि लेमन और शहद के साथ में हो गया जो कि आपके फेस को, और 10-10-15-15 मिनट का टाइम रखना जो भी आप राउंड लेते हो जिससे कि आपकी स्किन पे इफेक्ट करे, राइट। तो ये अब मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। दस मिनट हो गए, देन आप फिर दोबारा से ऐसे ही कॉटन का एक हैंकी ले लो और उससे अपने फेस को क्लीन कर लो, लेमन एंड हनी वाटर लिप आर्ट को। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ये कर दिया, अब हमें क्या करना है कि अब मुझे करना है फेस पैक। तो वो कैसे करना है, मैंने ये एक खाली बाउल ले लिया, इसमें मैंने फिर प्यूरी को डाला, एक चम्मच प्यूरी डाली, ये मैंने प्यूरी डाल दी, राइट। अब ये सैंडलवुड पाउडर और या चंदन पाउडर आपके पास है तो आप सिंपल सा ये लीजिए और इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए फेस पैक की तरह जो आपका काम करे। ये मैंने देखिएगा ये मैंने डाल दिया है इसमें। अब इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, पपाया ये और इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से देन आप इसको अपने फेस पे ऐसे लगाना, फेस पैक स्टार्ट कर दीजिए। लोग ब्रश से लगाते हैं बट मैं तो हाथ से ही लगा लेती हूँ क्योंकि तो ऐसे करके ये स्क्रब लगा लीजिए, सॉरी ये, और देन इसको भी 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जब ये लग जाए तो इसको 15 मिनट के लिए छोड़, सूखने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन जब ये लगा रहे तब आप बोलना मत क्योंकि बोलोगे तो ये इतना ये इसकी ना वो पड़ जाएंगी, लाइंस पड़ जाएंगी फेस पे। और जब 10-15 मिनट में ये सूख जाए देन उसके बाद में फिर इसे हैंकी से पहुंच के, अब मेरा ऐसा फेस हो गया है आफ्टर फेशियल, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये घर पे ही करें और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और जिनके ब्लेमिशिंग झाइयाँ उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, दाग धब्बे हैं,
तो आप पपाया के फेशियल घर पे ही ऐसे कर सकते हो और इतने सारे पैसे बचा सकते हो, जो मुझे तो बहुत इफेक्टिव लगता है। तो आप भी यही करिए गाइस। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए। बाय बाय, लव यू।